देखिए गाइस, आप सामने देख रहे हो, ये वही कॉरिडोर है जिससे होते हुए आप मंदिर जाओगे। इसका निर्माण अभी मोदी जी ने कराया है। Hey guys, welcome back to my another vlog. मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता आज एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। लेकिन गाइज, ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आज घुमाने वाला हूँ। आज मतलब नए साल पर, आज 30 तारीख है, हमारी आज दिल्ली से ट्रेन है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई, मामा का लड़का और भाई के 3 फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ जहाँ महादेव का साक्षात वास है। तो अभी मैं बैग लगा लेता हूँ क्योंकि मेरी 6:15 से ट्रेन है और मैं मेरठ से दिल्ली बस से ही जाने वाला हूँ क्योंकि गाड़ी खड़े करने में दिक्कत होगी वहाँ पर, इसलिए बस से जाओ, अपना टेंशन फ्री। तो मिलते हैं आपसे। नहा धो के रेडी हूँ बिल्कुल, बस मामा के लड़के का इंतज़ार है और मैंने अपना टूरिस्ट बैग लगा लिया। ये बैग मैं केदारनाथ भी लेकर गया था। मैं एक दो जोड़ी कपड़े लेकर चलता हूँ एक्स्ट्रा, कहीं रुकना पड़ जाए, कोई बात हो जाए, इसलिए लेकर चलना भी चाहिए। बाकी मैंने गर्म कपड़े भी रख लिए हैं, एक गर्म चादर रख ली है ट्रेन में उड़ने के लिए। वैसे तो ट्रेन में मिलेगी पर फिर भी अपनी एक चादर ले ली है मैंने। तो करते हैं मामा के लड़के का इंतज़ार, मिलते हैं आपसे। हम चल दिए हैं और 3 बच्चों के हैं, मिलते हैं बस में। गाइज, ये हमारे गांव वाला टोल प्लाजा जहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। देखिए गाइज, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, आनंद विहार टर्मिनल, चलते हैं पास में। तो गाइज, हम फाइनली आनंद विहार टर्मिनल तो पहुँच गए हैं, अभी ट्रेन चलने में 5 मिनट बाकी है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, हम अपनी ट्रेन चेक कर लेते हैं कि हमारी ट्रेन टाइम से है और कौन से प्लेटफॉर्म पर है। हमारी ट्रेन नंबर 22408 गरीब रत्न के नाम से है, अभी आने वाला होगा हमारा भी ट्रेन का नंबर। और ये रहा दूसरे नंबर पर रीशेड्यूल दिखा रहा है, इसका मतलब ट्रेन लेट है। और ये देखिए, हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। तो गाइज, हमारी ट्रेन पूरे 45 मिनट लेट है क्योंकि ट्रेन का टाइम 6:15 है और अभी 7 बजे दिखा रहा है। हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है, इस कारण हमें प्लेटफॉर्म पर ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चाय पीते हुए। मामा के लड़के को भूख लग रही है तो मैं इसके लिए घर से पराठे लाया था, पराठे और चाय खाने में मगन है। मज़ा आ रहा है पराठों में, कैसे हैं? तो गाइस, फाइनली हमारा गरीब रथ 22408 जिसका नंबर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरे 45 मिनट लेट आ चुका है। हमारा बोगी नंबर है G7, उसमें हमारी सीट 53, 54, 55 और 56 है। तो अपनी ट्रेन में अपना नंबर देखते हैं। देखिए, सुबह एप्पल चल गया है। तुमने इस अपने पास रखे फायदा क्या, नाम भी खराब हो रहा है। या भाभी, या बेबी, बेबी। तो गाइस, जर्नी काफी सही है रही, लेकिन ट्रेन काफी लेट है तो मजा नहीं आ रहा। टाइम से बहुत ही कम, 8 बजे उतर जाते हैं, 8-9 बजे तक, और अभी 12 बजने वाले हैं, हम अभी तक भी नहीं उतरे। मामा का लड़का चेक करा है, ट्रेन में पिंचर तो नहीं हो गया है। तो काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि सफ़र करते करते बहुत टाइम हो गया, तो हमने ये हरी मटर ली है जिसमें इन्होंने प्याज नींबू डालकर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी टेस्टी है।
फाइनली अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे आपको बनारस का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से हमें ई रिक्शा या ऑटो करना पड़ेगा, जो मुँह मांगे पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको मुँह मांगे पैसे नहीं देने हैं, आपको बार्गेनिंग करनी है। यहाँ से हम अस्सी घाट जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। हमने 180 के लिए एक ऑटो हायर कर लिया है, हमें 80 घाट ले जाने वाले हैं। अरे मोड़ कर रहे हो, गाइज न्यू ईयर के वजह से आज वाराणसी में भी काफ़ी जाम है। हमें ऑटो वाले भैया बता रहे हैं कि न्यू ईयर के वजह से यहाँ काफ़ी जाम है, 7 लाख श्रद्धालु आए हैं। फाइनली हमें रूम मिल गया है, नए साल के वजह से रूम काफ़ी महंगा है। अभी हमने 5,000 रुपये में एक रूम लिया है और देखते हैं रूम कैसा है। इसी घाट पर ही हमें रूम मिला है अपना। अब बस रूम में चलते हैं, बैग वैग रखते हैं और आपको और सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइस देखिए हमारे रूम के सामने ही दो दो क्रूज खड़े हुए हैं, एक छोटा क्रूज है और ये हमारे रूम की बालकनी से नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप भी आओ तो यहीं रूम जरूर लीजिएगा। देखिए काफी बड़ा रूम है हमारा और सिंपल बाथरूम है, बिल्कुल सिंपल बाथरूम है। वैसे तो अभी हम नहाने जा रहे हैं 80 घाट पर, तो आपको दिखाते हैं 80 घाट का माहौल। अभी हम काशी की आन बान शान 80 घाट पर हैं और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। देखिए हमारे पीछे काफ़ी हरियाली है, हरियाली भी दिखाएंगे आपको, यहाँ खूब हरियाली है। अभी हमारे साथ वाले यहाँ नहाने वाले हैं, यहाँ नहाने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। फोटो वोटो का कोई चक्कर नहीं है यहाँ। नीचे देखते हैं कहीं को चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद कब लोग काम बनाते हैं। दरअसल तो हम काशी विश्वनाथ जी के कल करेंगे, कल मॉर्निंग में, क्योंकि नए साल के दिन कि पूरा साल अच्छा रहे। अभी नहाने के बाद सबसे पहले हमने सोचा कुछ खा पी लें और हमने मैगी बनवाई है। देखिए अभी ये भैया ने शिमला मिर्च भी डाल दी है, शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं। हरी मिर्च भी गिर दी है, बोटिंग करने वाले हैं तो एक बोट को हायर कर लेते हैं और देखते हैं कितने रुपए लेता है। और हम छह के छह भाई जाएंगे ना बोटिंग करने। हाँ, छह के छह भाई एक साथ जाएंगे बोटिंग करने। ये सिर्फ गाइस आपको मनोरंजन कराने के लिए बोटिंग कर रहे हैं हम, वरना हमारा बोटिंग का कोई इरादा नहीं था। पर कोई नहीं, आपकी खुशी हमारे लिए सबसे पहले है। हमने मोटर वाली नाव बुक कर ली है, 200 रुपये पर पर्सन, तो चलिए चलते हैं। देखिए अब हमारी बोट यहाँ घाट पे लगेगी, यहाँ कोने पर, और हम यहाँ से बैठेंगे साथ लाइफ जैकेट भी मिलेगी पहनने को। आपको हम भेजे भी नहीं करेंगे, चलिए
चलिए ये लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य हो गया। देखिए एक क्या हो गया है अनिवार्य, दो कंपलसरी, तीन, चार, पांच और छठे नंबर पर मैं। हम नाव में बैठ चुके हैं और हमें अभी लाइफ जैकेट मिलेगी। ये देखिए भैया पहन ली है, ये देखिए सबने। और अब चलते हैं, होने के बाद डूबती मतलब नीचे को जाती है। हो गई स्टार्ट गंगे मैया की। लाइव आरती ये जो मंदिर है मैन मंदिर है ये ना? नहीं सर, ये है आपका शिव जी का टेंपल है, इसको बोलते हैं काशी करवट। अच्छा, ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जहाँ के हम आपको साक्षात दर्शन कराने लाए हैं, लेकिन अभी नहीं, हम न्यू ईयर पर आपको मॉर्निंग में दर्शन कराएंगे। आज 31 की नाइट है और ये देखिए। और गाइस, पांच तत्वों से बने शरीर को पांच तत्वों में यही मिलाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ 12 माह 24 घंटे देह संस्कार होता रहता है। यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। यहाँ साल में पता नहीं कितनी लाख देह संस्कार होता है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है जो यहाँ के देह संस्कार करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। करके हमें काफी मजा आ रहा है और आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नई नई जगह घुमाने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग है। तो गाइस, ये सामने कॉरिडोर है, इसकी संस्थापना भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कराई है। ये अंदर से काफी सुंदर है, आप जाओ तो जरूर जाना। तो पूछते हैं इनसे, भाई लोगों से मजा आ रहा है। यार वो बढ़िया है, वो देखिए क्रूज, देखिए क्रूज यार वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। देखिए बोट, ये सब बोट कर सकते हैं यहाँ आइए करने के लिए। एक येरा, एक येरा, ये छोटा है वो बड़ा है। ये देखिए गाइस, हमें जाते हुए गरम गरम पकोड़े तलते हुए दिखाई दे गए, इससे हमारा मन ललचा गया। तो आइए पकोड़े खा लेते हैं। कैसी लग रही है, कैसा स्वाद है इसका? ये हम पहली बार खा रहे हैं, हमारे यहाँ पर आलू का जो टिक्की बोलते हैं उसी टाइप की बनाई हुई है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इतना अल्टीमेट टेस्ट है कि खाते रह जाओगे आप। कम से कम तीन खा चुका हूँ मैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप भी अभी बना रहे हैं? शाम के वक्त घूमने निकले हैं बाजार में। बाजार जो है नई सड़क के नाम से मशहूर है, नई सड़क पर है। अभी जा रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। दो पहिया वाहन पार्किंग, ये मेन काशी के जो है पार्किंग है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है एंट्री फीस लगती है पार्किंग के लिए, और ये मेन चौराहा है काशी विश्वनाथ जाने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, न्यू ईयर की वजह से बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आगे से न्यू ईयर पे आप अवॉइड करना है आना। बनारस की साड़ी देख रहे दुकान पर, इसने फरमाइश की है, देख लीजिए काफी अच्छा डिजाइन है। ये बनारसी साड़ी है, इसका प्राइस कितना है? 1250। भाइयों को दिखा, एक ये साड़ी है, हमने साड़ी की दुकान खोल लिया है।
2750 प्रिंट रेट है इसका, और एक ये कलर है इसमें। तो गाइस बताइए कौन सा लेनी है। अभी आए हम गोलगप्पे खाने, चार पांच तरह का पानी है, हिंग का, जीरे का, नींबू पानी, और ये इमली पानी, ये चटपट पानी। देखिए बिल्कुल बेकार था सर, आप अभी कुछ टाइम हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है तो हम ऑनलाइन रहेंगे और एंजॉय करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल गाइस। अभी 11:30 बज चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर होने में आधा घंटा है, हम कुछ खा पी लेते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर होने में पूरा आधा घंटा बचा है और हम दोनों मस्ती मार रहे हैं, पूरी मस्ती में हैं हम, हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। हमने 3 टिकट ले लिए हैं झूले के।